मेरा नाम जी नरेश कुमार है, इंस्पेक्टर हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन, साउथ जोन हैदराबाद सिटी। मैं आपका ये माध्यम से सबसे मैं अपील करता हूँ, आजकल बहुत ऑनलाइन फ्रॉड्स का कंप्लेंट्स आ रहे हैं, हमारे पीएस में भी, दूसरा पीएस, सब जगह रिपोर्ट हो रहे हैं। इसमें कई एग्जांपल्स मैं आपको बोलता हूँ। कुछ लोगों को फ़ोन आता, आपका आधार नंबर दीजिए, आपका पैन नंबर दीजिए, आपको बगैर सिविल स्कोर, अगर कम सिविल स्कोर रहे तो भी आप लोगों को पर्सनल लोन देने को हम कोशिश करता हूँ बोल के, बाद में रजिस्ट्रेशन फ़ीस, प्रोसेसिंग फ़ीस, डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन फ़ीस बोल के कितना वो पैसा लेके फ्रॉड करके बाद में वो लोगों का नंबर पूरा स्विच ऑफ कर देता। और कुछ लोग ऐसे भी करता है कि मैं आर्मी में काम कर रहा हूँ, मेरा हैदराबाद से दूसरा जगह मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मेरा फ्रिज है नहीं तो गाड़ी है, ये बेचना चाह रहा हूँ बोले तो बेचारा लोग क्या समझते, अरे आर्मी वाला है बोल के उनके तरफ कुछ रेस्पेक्ट रहता ना, वो रेस्पेक्ट के हिसाब से उन्होंने जो नंबर दिया ना, वो जिन नंबर पे फ़ोन करे तो उन्होंने फ़ोन पे बात करता, बात करके एक गाड़ी भी व्हाट्सअप कर देता, और उनका फेक आईडी कार्ड भी व्हाट्सअप करता। ये लोग ये समझ के क्या करते, पहला थोड़ा पैसा भेजता, बाद में उन्होंने ट्रांसपोर्ट वालों को पैसा बोले तो वो पैसे भी भेजता, ऐसा 10-15 दिन करने के बाद फ़ोन स्विच ऑफ करता। और कई फ्रॉड ऐसा हो रहे हैं, आजकल कोई बच्ची, नौजवान बच्ची, उनको व्हाट्सअप में या फेसबुक से कॉल करता, वो फोन कॉल करते खुद इन्हों भी बच्चा भी क्या करते, उनसे बात करते बाद में उन्होंने थोड़ा न्यूड वीडियोस के जैसा उन्होंने वीडियो बना के उन्होंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके बाद में उनको ब्लैकमेल करता, जैसा तुम्हारा फेसबुक में जितना भी दोस्त है ना वो लोगों को सबको मैं ये वीडियो भेजता हूँ, पैसा नहीं दिए तो ये करता हूँ बोल के ऐसा भी ब्लैकमेल करता। और अपन कोई भी कस्टमर केस की वजह से अपन गूगल में सर्च करता, वो गूगल में भी ये फ्रॉडस्टर रह के दूसरा नंबर दे देता। इसलिए आपको जो भी कस्टमर केयर नंबर के होना है तो ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए। और ऐसा कई नंबर ऑफ साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, इसलिए मैं सबसे अपील करता हूँ कि आपका जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, बैंकिंग इंफॉर्मेशन किसी से भी शेयर नको कीजिए। और अननोन आदमी से ऑनलाइन में, जैसा फेसबुक में, व्हाट्सअप में, इंस्टाग्राम में, किसी भी माध्यम से परिचय करने की ज़रूरत नहीं है। और कस्टमर केयर के वास्ते गूगल में सर्च करो, लेकिन ऑफिशियल वेब में जाके सर्च कीजिए। जैसे पेटीएम बैंक अकाउंट में तुम्हारा सिम का केवाईसी वेरिफिकेशन करता बोल के आपको फ़ोन आता, नहीं तो बाद में आपका फ़ोन को जो ओटीपी आया ना वो बोलते, वैसा लोगों के ऊपर आप लोग भरोसा नहीं करना। और कुछ भी गिफ्ट आया बोल के आपको मैसेज आया तो उसको भी आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करना। कोई भी आपका बैंक वाला फ़ोन कर रहा हूँ, आपका CVV बोलो, आपका फ़ोन को जो OTP आया OTP बोलो, तो कृपया थोड़ा उसका रिस्पॉन्ड नहीं कीजिए। जो भी आपको ऐसा कॉल आया तो तुरंत कहीं नज़दीक PS में जाके कंप्लेंट कीजिए, नहीं तो साइबर क्राइम में जाके कंप्लेंट कीजिए। लेकिन बैंक ट्रांजैक्शन कोई भी ऑनलाइन में करने से पहले बैंक में जाके मालूम कीजिए। थैंक यू।